हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, में से बदला लेने के लिए झगड़ा या फिर हाथापाई की जरूरत नहीं है, आप मजेदार तरीके से भी बदला ले सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही बदले की कुछ मजेदार कहानियों के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर वन, दोस्तों क्या आप रात को सोते समय ऊपर वाले पड़ोसियों की शोर से परेशान हो जाते हैं? लेकिन वो पड़ोसी क्या सोचेगा ये सोचकर आपने कुछ ना कहा हो, लेकिन हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं करता। जैसे कि ये कपल, ऊपर वालों की शोर से तंग आकर उन्होंने ऐसा बदला लिया है। निश्चित रूप से ऊपर वाले लोग समझ चुके हैं कि रात के समय में शोर करना कैसा लगता है। ये शख्स एक कनाडियन कॉमेडियन है जो अपने ऊपर की पड़ोसियों के शोर से तंग आकर उनके ब्लूटूथ स्पीकर को हैक कर लेते हैं और सोने के समय बदला लेने के लिए स्पीकर पर गाना लगा देते हैं। मैथु नाम की इस यूट्यूबर ने ऊपर के पड़ोसियों द्वारा किए गए शोर का बदला कुछ अनोखे तरीके से लिया। उसने अपने कमरे में बड़े बड़े स्पीकर लगाए और फिर उसने उसमें ऑटोमेशन सिस्टम चालू कर दिया। जब भी कोई पड़ोसी 10 सेकंड से ज्यादा आवाज की तो कमरे की स्पीकर ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा। Neighbors are playing their loud music again, as you can probably hear. So, I've got the system all set up here. नंबर टू, अगर आपको अचानक सड़क पर एक चाबी मिल जाए और उस पर किसी का नंबर लिखा है तो आप क्या करोगे? निश्चित रूप से आप उस नंबर पर कॉल करोगे और वो चाबी मालिक को वापस कर देंगे। एमिली नाम की एक महिला को रास्ते पर ऐसे एक चाबी मिला था जिसके ऊपर जेफ और उसका नंबर लिखा हुआ था, जिससे एमिली उसे कॉल करते हैं। लेकिन जेफ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खोया हुआ चाबी मिल जाना तो खुशी की बात है, लेकिन वो गुस्सा क्यों हुआ? मजे की बात यह है कि जब एमिली को चाबी मिली तो एक नकली चाबी था। एक शख्स ने जेब के ऊपर बदला लेने के लिए ऐसे नकली चाबी बनाई और उस पर जेब के नंबर के साथ उसे अलग अलग जगह पर छोड़ दिया। और लोगों ने चाबी वापस देने के लिए जेब के नंबर पर बार बार कॉल करते हैं। नंबर थ्री, इस शख्स का नाम है देव कैरोल, जो एक कनाडियन म्यूजिशियन है। यूनाइटेड एयरलाइंस की प्लेन पर वो कहीं जा रहे थे, लगेज उतारते समय उनका गिटार टूट जाते हैं। वो इसके बारे में एयरलाइन कंपनी के पास शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं होता। वो आखिरकार इस घटना को लेकर एक गाना बनाया और रातों रात उनका गाना वायरल हो जाते हैं। जिसकी वजह से यूनाइटेड एयरलाइन ने अपने लगभग 10% शेयर को खो दिया था, जो लगभग 180 मिलियन डॉलर था। नंबर फोर, कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग पार्टी करना काफी पसंद करते हैं। आमतौर पर कोई भी इसके बारे में शिकायत नहीं करता, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं होते। जैसे कि महिला, उनकी पड़ोस के बच्चे पूरी रात पार्टी करते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अचानक एक सुबह जब वो उठा तो उसने पाया कि कोई बहुत बड़ा सा एक पत्थर लाकर उसकी कार की सामने रख दिया है। वो समझ गए कि पड़ोसी के बच्चों ने ही शराब की नशे में ऐसा किया। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। पूरी रात पार्टी करने के बाद जब पड़ोस के बच्चे सुबह सो रहे थे, तब वो एक ड्रिल मशीन के सहारे जोर की आवाज़ करते हुए पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। ड्रिल मशीन से पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में लगभग 4 घंटे समय लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ड्रिल मशीन की तेज आवाज की वजह से उन पड़ोसियों का क्या हाल हुआ होगा। नंबर फाइव, ये घटना पेंसिल्वेनिया की है। डोनाल्ड ट्राउट नाम के एक शख्स यहाँ बहुत शांति से रह रहे थे, लेकिन उनका शांति तब टूट गया जब एक नया पड़ोसी आया जो एक बहुत ही गंदी महिला थी। वो महिला प्रेग्नेंट होने के बावजूद सिगरेट पीती थी, तेज आवाज में गाना बजाती थी
और खुद की गंदगी भी डस्टबिन में नहीं फेंकते थे। वहाँ के कानून के मुताबिक अगर आप अपने घर की गंदगी बैंगनी रंग के पैकेट में रखते हैं तो कचरा उठाने वाला आकर उसे ले जाएगा। लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में वो पड़ोसी महिला अपने घर की गंदगी डोनाल्ड की घर के सामने रख देता था और डोनाल्ड को ज़्यादा पैसा खर्च करके पार्फिल पैकेट खरीद कर उस कूड़े को उसमें डालना होता था। उसने पुलिस से शिकायत भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो बदला लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। वो जानता था कि उसके बगल के घर में महिला किराए पर रहती है, इसलिए उसने उस घर के मालिक को बुलाया और पूरे घर को ज़्यादा कीमत पर खरीद लिया और उसके बाद उस महिला को नोटिस देकर वहां से भगा दिया। नंबर 6, यदि आपके पास एक कार है और उस कार को लेकर आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि कोई आपके कार के साथ ऐसे तरीके से बदला ले सकते हैं। जैसे कि ये इस कार को पार्किंग में ऐसा लगा गया जहां दो कार पार्क हो सकता था। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो पूरी कार को पॉलिथीन के साथ एक कूड़ेदान के साथ अटैच कर दिया। इस लाल रंग की स्मार्ट कार को देखिए, इसे ठीक से पार्क ना करने के कारण किसी ने कार को उल्टा छोड़ दिया। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा बदला यह है, एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर बदला लेने के लिए सैनिटरी नैपकिन की एक पैकेट खरीदा और उसे पूरी कार को ऐसे ढक दिया। आप सोच सकते हैं यह महिला कितनी गुस्से में था। नंबर 7, डाइवोर्स यानी तालाक हमेशा जरूरत से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। जैसे कि ये कपल घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई की वजह से ये तालाक लेने की फैसला करते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए बहुत ही नया तरीका आजमाया। तालाक के बाद उस आदमी पर $50 की जुर्माना लगाया गया और वो व्यक्ति बदले में $50 की भुगतान करते हैं और वो भी चिल्लर में। 4,000 रुपये की चिल्लर गिनना कितना मुश्किल है आप सोच सकते हैं, और उसके साथ एक नोट भी छोड़ते हैं, आप इसे पढ़िए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से बदला लेने के लिए कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी अच्छे से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।